गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लास 12 चैप्टर 3, द सेमिनल वेसिकल्स। इट सीक्रेट सुगर फैक्टर्स, सुगर फैक्टर सीक्रेट करता है, और ये सुगर जिसके पास प्रेजेंट होती है किसी और बॉडी पार्ट के पास प्रेजेंट होती है, सुगर जो फैक्टर्स के पास है। ठीक, इसके अबाउट साइज कितनी, 5 सेंटीमीटर। एनर्जी सोर्स ऑफ द स्पर्म, इट इज एनर्जी सोर्स ऑफ स्पर्म, कौन है, सुगर फैक्टर्स है। ठीक है, 60% ऑफ सीमेन जो प्रो बनाता है सेमिनल फ्लूड का, कौन बनाता है, सेमिनल वेसिकल। इसके अलावा उसके पास क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्रैक्टोस, आइनस्टॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड सर्वल प्रोटीन्स। अगर इसको पूछा जाए मतलब क्या क्या कंटेन होता है तो यहाँ पे बता सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड मक्का संकलाई फ्लूड सीक्रेट करता है, सिंगल होती है, गोल्फ बॉल्स जितनी साइज होती है इसकी। ठीक है, इट कलेक्शन ऑफ 30-40 टेस्ट ट्यूबुलर एलोवियल ग्लैंड। ठीक है, इट कंटेन प्रोस्टेटिक यूट्रिकी एंड अकेनी कवर्ड बाय द कैप्सूल, मतलब कवरिंग होती है अकेनी यूट्रिकल की। इट सीक्रेट मिल्की अपेयरेंस, मतलब प्रोवाइड द मिल्की अपेयरेंस, किसके हल से होता है ये, कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट एंड सिट्रेट आयन, फॉस्फेट आयन, इसके पास प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके पास एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, कौन सा एंजाइम होता है, क्लोटिंग एंजाइम एंड फाइब्रिनोलाइसिन का एंजाइम। ठीक है, इसका जो मेन काम क्या प्रोवाइड करता है, मोबिलिटी टू नोटेबली एल्यूमिनियम, मतलब एक तो मोबिलिटी प्रोवाइड करता है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा काम इसका क्या है, नोटेबली एल्यूमिनियम एंड प्रोटोलाइटिक एंजाइम, प्रोटोलाइटिक एंड प्रोटो फाइब्रोलाइसिन एंजाइम रिलीज करता है, जो मतलब पेनिट्रेशन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जो मतलब ओवम के साथ ही अटैचमेंट होगी। नेक्स्ट, वास डिफरेंस रिलेटिवली एसिडिक ओवम इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, वास डिफरेंस एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। ठीक है, और सिट्रेट किसके पास होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट ऑफ स्पर्म, ये एंड प्रोडक्ट होता है किसका, स्पर्म का। 3-4 ml सीमेन हैव 200-300 million स्पर्म्स। नेक्स्ट ग्लैंड, काउपिया ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो काउपिया इट्स आल्सो नोन एज ए बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि यूरेथ्रा में ओपन होता है, इसे बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इट्स येलो इन कलर होती है। इसका जो मेन काम क्या होता है, लुब्रिकेट सीक्रेट करना, जो क्लेन पेनिस को फायदा पहुंचाता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। नेक्स्ट, सीमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। सीमेन एट पीएच अबाउट 7.5 प्रोस्टेटिक फ्लूड गिव द सीमेन मिल्की अपीयरेंस। मिल्की अपीयरेंस कौन दे रही थी, इसके अंदर प्रोस्टेटिक ग्लैंड दे रही थी, प्रोस्टेटिक फ्लूड एंड फ्लूड फ्रॉम द सेमिनल वेसिका। 60% इसका जो प्रेजेंट, जिसके पास आयन स्टॉल वगैरह प्रेजेंट होंगे। क्लॉटिंग एंजाइम फॉर द प्रोस्टेटिक फ्लूड कॉज द फाइब्रिनोजन ऑफ द सेमिनल वेसिकल फ्लूड टू फॉर्म ए वीक फाइब्रिन कोगुलन, मतलब जो वीक फाइब्रिन कोगुलेशन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जिसका लाइफ स्पेन होता है 24-48 आवर्स। और इसका हार्मोनल कंट्रोल पढ़ लेते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें टेक पार्ट करती है। हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, इससे क्या मिलेगी, LH और ICH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंटरस्टीशियल सेलुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो टेस्टिस के अंदर, दोनों टेस्टिस के अंदर होती है, स्टर्टोली सेल एंड लेडिक सेल सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर। तो लेडिक सेल के ऊपर क्या सीक्रेट करेगा, टेस्टोस्टेरोन, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को फॉर्मेशन करेगा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को डेवलप करेगा। फिर किसके पास इनहेबिट कर देगा, किसको इनहेबिट करेगा, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को, मतलब फीडबैक प्रोवाइड करता है टेस्टोस्टेरोन। या फिर सर्टोरी सेल स्टिमुलेटिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट इनहेबिन, ये भी क्या देगा, फीडबैक देगा जब ये फॉर्मेशन ज्यादा होने लग जाए तब। ठीक है, अब कुछ फॉर्म है यहाँ, मतलब FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICH, इंटरसेल सेल, जो किसने डिस्कवर की थी, फ्रेंच वॉन लेडिक ने इसने डिस्कवर किया था। ठीक है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर सर्टोली सेल, जो किसने डिस्कवर था, एनरिको सर्टोली ने। ठीक है, ठीक है भाई, टू प्रोटीन सीक्रेट करती, कौन कौन सी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहेबिन। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम मतलब बाइंडिंग फॉर्मेशन में करता है, और दूसरा काम क्या है इसका, सीक्रेट मुलबेरियन डक्ट इनहिबिटर विच सप्रेस द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल डक्ट, फीमेल डक्ट के जो एक्टिविटी है उसको भी सप्रेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या है, फर्स्ट मेन जो ऑर्गेन होता है वो ओवरी होता है। ठीक है, अपर पेल्विक कैविटी के पास प्रेजेंट होता है, शेप लाइक अनसेल्ड आलमोंड, मतलब अखरोट वाला जो होता है उसमें, मतलब अनकवर होगा ये। ठीक है, 3.5 cm × 2 cm, 1 cm इसकी टोटल साइज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ईच ऑल्सो स्पॉट बाय द मेजोमेरियम, मेजोमेरियम के द्वारा मतलब स्पॉट की जाती है।
ओवरी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, क्या क्या फॉलोइंग पार्ट कंसिस्ट रखती है? ओवरी कवर्ड बाय द क्यूबिकल एपिथेलियम, सेल का जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, क्यूबिकल ये भी पहले डिस्कस हो चुका है। इट्स कवर्ड बाय द विसरल प्रोटीनियम, प्रोटीनियम के साथ कवरिंग होती है इसकी, ठीक है, विसरल प्रोटीनियम इसको कवर करता है। नेक्स्ट, ईच ओवल सपोर्ट बाय द मेसोवेरियम, ईच जो ओवरी है ये ऊपर भी डिस्कस हो चुका था, मेसोवेरियम स्टोर करता है, ठीक है। इसपे क्या बेंथ एंड एपिथेलियम इज ए ट्यूनिका एल्बिगा, जो बेंथ मतलब नीचे और जो ऊपर होते हैं ट्यूनिका होती है, कौन सी? एल्बिगिनिया, ट्यूनिका मतलब लेयर होता है। द स्ट्रोमा कंसिस्ट कॉर्टेक्स आउटर लेयर एंड मेडुला इनर लेयर, ये जो लेयर होते हैं कॉर्टेक्स एंड मेडुला, यहीं से हमारी ग्राफियन फॉलिकल डेवलपमेंट होती है। तो ग्राफियन फॉलिकल इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर, हैज ए सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट इसके पास कंटेन होती है, इसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट होता है। ए फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ ओसाइट कवर बाय ए होमोजेनियस मेम्ब्रेन, ठीक है, ए फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ ओसाइट कवर बाय द होमोजेनियस मेम्ब्रेन जोना प्लेसुडा, जोना प्लेसुडा होमोजेनियस मेम्ब्रेन होती है जो फॉलिकल सीक्रेट करने में हेल्प करती है। जोना प्लेसुडा इज सराउंडेड बाय द फॉलिकल सेल कॉल्ड मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा, ठीक है, इसमें तीन लेयर, दो लेयर होती हैं, थीका मतलब कवरिंग होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। द फॉलिकल सेल एंटरम फिल्ड विद द फ्लूइड, द लार्ज लिक्विड फॉलिकल, जो फॉलिकल सेल है वो फिल होती है किससे? लिक्विड फॉलिकल से। द ग्रैनुलोसा सेल लाइंग द क्लोज द विकिनिटी एंड ओसाइट जोना प्लेसुडा बिकम द एलोंगेटेड टू फॉर्म ए कॉर्नर रेडिएटा, जो जोना ग्रैनुलोसा है, ग्रैनुलोसा वो कॉर्नर रेडिएटा फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। डिजनरेट द प्रोसेस ऑफ फॉलिकल इज कॉल्ड द फॉलिकल एस्टेरिया एटेरिसिया एंड सच फॉलिकल इज नोन एज एटेरिटिक एटेरिटिक फॉलिकल्स, जिसके पास डिजनरेटिव प्रोसेस होते हैं उसके बाद जो फॉर्म एटेरिटिक फॉलिकल्स बोलते हैं, जो दोबारा रीयूज की जाती हैं, ठीक है, ओवुलेशन के अंदर। आफ्टर ओवुलेशन द ग्रैनुलोसा सेल द इंटेस्टाइनल सेल फॉर्म ए मास ऑफ लार्ज एंड येलोइश कॉनिकल सेल का कार्पस लुटिनम, ठीक है, जो मतलब फॉर्मेशन होने पर कार्पस लुटिनम जिसको येलोइश बॉडी बोलते हैं, ये फॉर्मेशन होती है वहाँ पे। एंड सर्व एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, इंपॉर्टेंट टेक पार्ट करती है किस किस हार्मोन ने? प्रोस्टाग्लैंडिन और एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करने में टेक पार्ट करती है, ठीक है। 450 ओवम लाइफ सीक्रेट करती है फीमेल, 28 डेज का इसका लाइफ साइकिल होता है, ओवुलेशन होता है 14 डेज का। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस तो क्या होगा? कार्पस लुटिनम पेरिस्टाल्टिक एंड एनलार्ज द बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, इन्फ्लुएंस ऑफ LH की वजह से एनलार्ज हो जाती है। एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस तो क्या होगा? कार्पस लुटिनम प्रोड्यूस कंटिन्यू प्रोगेस्टेरोन विच चेक द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सीक्रेशन ऑफ FSH एंड देन न्यू ओवेरियन ऑफ फॉलिकल नॉट फॉर्म, ठीक है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा तब क्या होगा? जो सेकेंडरी काम करती है कार्पस लुटिनम प्रोगेस्टेरोन हमको ज्यादा सीक्रेशन की वजह से पता लगेगा। ए डिजनरेटेड कार्पस लुटिनम का कार्पस एल्बिकेंस जिसको व्हाइट बॉडी बोलते हैं, ठीक है, और येलो बॉडी होगा कार्पस लुटिनम। कार्पस लुटिनम जब डिजनरेट होगा तो इसको क्या बोले? एल्बिगन्स, जिसको क्या बोले? व्हाइट बॉडी। ओके।